For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से FCPS यानी स्पेशलाइजेशन की इन द गायनी एंड ऑब्स, और तकरीबन 20 साल के अरसे से मैं इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। मरहम के प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस सेशन लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद साबित होगा जो कि हमारे इसके अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि बहुत से और गायनी ऑब से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे डिस्ट्रेसिंग है वो है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। पहली बात जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बांझ एक पार्टनर नहीं होता। बांझपन का जो लेबल है वो एक कपल पे लगता है, वो भी अब इसको बहुत माइल्ड टर्म यूज़ करते हैं। इनफर्टिलिटी नहीं, हम सब फर्टिलिटी यूज़ करते हैं, जिसके एक से ज़्यादा रीजंस हैं, एक से ज़्यादा कॉजेज़ हैं। सो हमें ये पता होना चाहिए कि मियाँ बीवी अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो 84% ऑफ द कपल वो शादी के 2 साल के अंदर अंदर खुद ब खुद विदाउट एनी मेडिकल हेल्प कंसीव कर लेते हैं। सो हमें 2 साल से पहले पहले कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन हमारे सोशल बैकग्राउंड हमारा ऐसा है, सोसाइटी ऐसे है कि फ़ौरन जो है वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है कपल पे। उसके लिए हेल्प सीक करना इज़ नो बिग डील। सो पहले जो इनिशियल होता क्या होता है कि हिस्ट्री और इवेल्युएशन पे, वो भी एक कपल पे पूरे डिपेंड करती है। ये नहीं कि खातून अपनी सास या अपनी मदर के साथ आ रही हैं, मियाँ बीवी दोनों के साथ आने का मकसद यही होता है कि एक प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए खामन से भी और बीवी से भी, और बेसलाइन टेस्ट करवाए जाएँ। हमारे यहाँ मैंने अब ये ट्रेंड देखा है कि हमारा मेल पार्टनर भी उतना ही ओपन हो गया है टू हैव हिज टेस्ट कंडक्टेड एज फीमेल। पहले ये बहुत टैबू लिया जाता था, लेकिन अब मेल पार्टनर्स भी बहुत ज़्यादा कंप्लायंस हैं। सो इसमें पहले बेसलाइन टेस्ट होंगे, उसके बाद ही कुछ ना कुछ डिसाइड किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम उस कपल को अपने ओवुलेटरी डेज़ का ही नहीं पता, वो नेचुरल डेज़ का ही नहीं पता कि जिसको अवेल करने से वो खुद ब खुद कंसीव हो सकते हैं। सो उनको थोड़ी सी गाइडेंस दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, और उसके बाद ये जो इनफर्टिलिटी का इलाज है ये नज़ला ज़ुकाम खांसी की तरह नहीं है। ये खातून के साइकिल टू साइकिल वेरी करता है, यानी हर महीने डिफरेंट टेस्ट, हर महीने एक डिफरेंट दवा। सो पेशेंस और कंप्लायंस इसका बेसलाइन जो है वो मोटो होना चाहिए। तो अगर आप चाहें, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप किसी भी क्वेश्चन को लेके वरिड हो, तो आप मरहम के फोरम से अपने रिलेटेड डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।